हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल यू मे एंड एस रिव्यू। टाइटल देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मूवी तानाजी द अनसंग वॉरियर के बारे में। ये मूवी बेस्ड है एक एपिक बैटल पर, जो कि 4th February 1670 को लड़ा गया था, जो कि वीर मराठा योद्धा तानाजी मालुसरे और मुगल बादशाह के भेजे हुए उदय भान के बीच में कोंडाना फोर्ट पर हुआ था। इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्ट विद इट। सबसे पहले बात करते हैं मूवी की कास्ट और कैरेक्टर की। तो मूवी में अजय देवगन एज तानाजी मालुसरे, काजल देवगन एज सावित्रीबाई मालुसरे, शरद केळकर एज राजे छत्रपति शिवाजी महाराज, सैफ अली खान एज उदयभान राठौड़ और ल्यूकी केनाई एज मुगल बादशाह औरंगजेब हमें लीड रोल में दिखे। इसी के साथ मूवी में काफ़ी सारी सपोर्टिंग स्टार कास्ट भी हमें दिखी। आगे बढ़ते मूवी की स्टोरी की ओर। मूवी आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। दरअसल मूवी की शुरुआत होती है राजे छत्रपति शिवाजी महाराज और मुगल बादशाह औरंगजेब के बीच में 23 फोर्ट्स के लिए ट्रीटी साइन की होती है। उसके बाद राजमाता जिजाबाई काफ़ी नाराज़ हो जाती है और वो कसम खाती है कि वो जूते नहीं पहनेंगी जब तक कि कोंडाना फोर्ट हमारे स्वराज्य में शामिल नहीं होता। उसके कुछ सालों के बाद राजे छत्रपति शिवाजी महाराज तानाजी मालुसरे को उस कोंडाना फोर्ट को जीतने के लिए भेज देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से मुगल बादशाह उदयभान को वहां पर भेज देता है। उदयभान काफ़ी बड़ी सेना लेकर कोंडाना फोर्ट पर हाजिर होता है। तानाजी मालुसरे की बेटी की शादी होती है, लेकिन उस शादी से ज़्यादा ज़रूरी मुहिम को समझता है। इस मुहिम पर जाने के लिए उनकी वाइफ सावित्रीबाई उन्हें अंदर से काफ़ी ज़्यादा शक्ति देती है। अब बात करें मूवी के पॉजिटिव पॉइंट्स की ओर, तो मूवी की स्टोरी काफ़ी वेल रिटन है। हिस्ट्री के ईयर्स को काफ़ी अच्छे से रेफरेंस दिया गया है। मूवी की स्टोरी इंटरवल से पहले थोड़ी स्लो लेकिन ग्रेसफुल है, और साथ ही साथ इंटरवल के बाद वो थोड़ी फास्ट चलती है और काफ़ी एनर्जेटिक भी है। अब बात करते हैं मूवी के डायलॉग्स की। तो डायलॉग्स काफ़ी अच्छे से लिखे गए हैं और साथ ही साथ डायलॉग डिलीवरी भी हर किसी ने काफ़ी अच्छे से की है। डायलॉग्स काफ़ी इंटरेस्टिंगली, ग्रेसफुली और एनर्जेटिकली यूज़ किए गए हैं। यह मूवी इन डायलॉग्स की वजह से एनर्जी से बहुत ही ज़्यादा भरी हुई है। अब बात करते हैं एक्टर्स की एक्टिंग के बारे में। तो अजय देवगन काफ़ी अच्छे से इस रोल को प्ले करते हैं। वो पूरी मूवी में काफ़ी एनर्जेटिक महसूस होते हैं। इसी के साथ उन्होंने इस कैरेक्टर को काफ़ी अच्छे से प्ले भी किया है। बात करें काजल देवगन की, तो काजल देवगन काफ़ी लेस टाइम के लिए एपर होती है, लेकिन वो मूवी को काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देती है। उनकी डायलॉग डिलीवरी काफ़ी बेहतर कही जा सकती है, और काजल का कैरेक्टर यानी कि सावित्रीबाई काफ़ी मॉरल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। बात करें शरद केळकर की, तो उनका कैरेक्टर काफ़ी इम्प्रेसिव है, और साथ ही साथ उन्होंने एक ऑनरेबल कैरेक्टर को काफ़ी अच्छे से प्ले भी किया है। इस कैरेक्टर के साथ उन्होंने पूरी तरह से जस्टिस किया है। बात करें सैफ अली खान की, तो सैफ अली खान ने काफ़ी अच्छे से कैरेक्टर को प्ले किया है। उन्होंने इस रोल को काफ़ी बैलेंस रखा है, जो कि काफ़ी बेहतरीन लगता है देखते वक्त। अब बात करते हैं मूवी की एक्शन की। तो मूवी में फाइटिंग सीन्स काफ़ी अच्छे से प्ले किए गए हैं। तलवारों की टकरार आपको काफ़ी पसंद आने वाली है। स्किलफुल स्टंट्स इस मूवी को चार चांद लगा देते हैं। एक्शन सीन्स काफ़ी ज़बरदस्त है और कमाल का सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं इस मूवी को। अब बात करें डायरेक्शन की, तो मूवी को काफ़ी अच्छे से डायरेक्ट किया गया है, साथ ही साथ मूवी को काफ़ी अच्छे से राइट भी किया गया है। बात करें मूवी के म्यूजिक की, तो मूवी के म्यूजिक वेल मैनेज्ड और रिटर्न लगते हैं। वो काफ़ी अच्छे से मूवी में फिट भी किए गए हैं, और उनको देखते वक्त ओवर बर्डन बिल्कुल नहीं लगता। सॉन्ग्स काफ़ी इंटरेस्टिंग और ग्रेसफुल है, और मूवी में वो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अब मूवी के बारे में कुछ फाइनल वर्ड्स। तानाजी द अनसिंग वॉरियर ये मूवी सुपीरियर परफॉर्मेंस प्रोवाइड करती है। इस मूवी में पावरफुल एक्शन और बेहतरीन विजुअल इफेक्ट्स है,
और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये हिस्ट्री को बेहतरीन तरीके से सामने रखती है और इसीलिए ये काफ़ी बेहतरीन मूवी बन जाती है। अब बात करें रेटिंग की तो IMDb पर इसे 9.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी गई है और साथ ही साथ मैं खुद इसे 8.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग देना चाहूँगा। साथ ही साथ आप कमेंट में मुझे बताएं कि आपने ये मूवी देख ली है या नहीं। अगर आपने ये मूवी देखी है तो आप अपनी रिव्यू और रेटिंग हमारे साथ नीचे कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे बताएं वीडियो कैसा था। साथ ही साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग अपडेट के लिए हमें फॉलो कीजिए फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, क्यूरा और टिकटॉक पर। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। खुश रहे, हंसते रहे, अपने आसपास सफाई रखें एंड रिमेंबर सेव ट्रीज, दे विल सेव अस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट विद अस। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।